नमस्ते दोस्तों। लो विजन एड उन व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है जिनको नॉर्मल चश्मे से नहीं दिखाई देता, और इसमें काफ़ी ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और पेशेंट उसको ख़रीद नहीं पाता। तो आज हम आपको एक और डिवाइस दिखाना चाहते हैं जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, पर आपने इस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर फंक्शनिंग यूजेज उसका कोई भी वीडियो नहीं देखा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यूज़ेबिलिटी क्या है, कैसे यूज़ होती है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है। आज उन सारी चीज़ों को जानेंगे। ये एक हेयर बैंड या हेड बैंड की तरह इसमें एक बैंड होता है। इसमें एक पुश का बटन होता है जिससे आप चाहें तो इसके सर का सरकमफेरेंस बढ़ा या कम कर सकते हैं। आप इस एरिया को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है ये आपके सर के साइज़ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मान लीजिए किसी का सर है तो ये उस पर इस तरीके से फिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये एक लाइट है, आप चाहें तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें बैटरी नहीं डली हुई है, और आप अगर चाहें तो देखिए ये स्लाइड कर रही है क्योंकि ये इसके सर के हिसाब से नहीं थी, तो हम इसको थोड़ा और टाइट कर लेंगे ताकि इसके सर के हिसाब से ये बन जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है, ये जो रेड कलर का बैंड आप देख रहे हैं, ये सर के साथ फिक्स रहता है और ये वाला फ्लेक्सिबल है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये लाइट की पोजीशन को भी देखिए, अप डाउन जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो दो तरीके का क्लिप है यहाँ पे, जिसमें आप लेंसेस को फिट कर सकते हैं। अब साइड से ये ऐसा दिखता है। बिल्कुल ऐसा। अब इसके साथ आपको मिलते हैं ये लेंसेज। इसमें चार तरीके के लेंस हैं और अलग अलग मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन के हिसाब से आप लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, यह है 3.5x। आप देख रहे कितना मैग्नीफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये 3.5x की लेंस है। अगर ये आपका नोज़ का लाइन है तो ये जो लाइन आती है इस लेंस की, ये बिल्कुल आपके नोज़ लाइन पे ही आती है, इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब आप इसमें लेंस को फिट कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है इसमें लेंस को फिट करना। अब आप इसको आई के पास ले जाना चाहते हैं, दूर ले जाना चाहते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इससे आपका एक डिस्टेंस का वर्क हो गया, लेकिन आप रीडिंग राइटिंग में आपको इससे दिक्कत आ रही है, आपको और मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप इसमें और भी लेंसेज हैं। लेंसेज हमारे पास 2.5x के भी हैं, अपने पास इसमें लेंस 2 के भी हैं, और इसमें लेंस 1.8x के भी हैं। तो ये और भी लेंसेज हैं जिसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक और लेंस अटैच कर दिया, ये इतना ही सिंपल है अटैच करना, जैसा कि मैं अटैच कर रही हूँ आप भी कर पाएंगे। तो ये देखिए डबल लेंस है, इसको आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, आपको जॉइंट लेंस का इफेक्ट चाहिए, आप दोनों को जॉइन भी कर सकते हैं एक साथ। तो इस लेंस के द्वारा पेशेंट अपने रीडिंग राइटिंग, कंप्यूटर वर्क, डिस्टेंस वर्क, वॉकिंग, साइकिलिंग, हर टाइप के वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। एज़ पर रिक्वायरमेंट वो लेंसेज को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता है। लो विजन का बिल्कुल यही मतलब होता है कि एक लो विजन एड से आप सारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैग्नीफिकेशन फिक्स हो जाता है। लेकिन इस डिवाइस में सबसे बड़ी बेनिफिट आपको क्या मिलती है कि आप अपना जो स्पेक्स है या जो आपका डिवाइस है, इसमें आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से लेंसेज को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए एक ये ऐसा डिवाइस है
जो मल्टीपर्पज़ आपके हर काम में आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।